नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशुली भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें सबसे पहले तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी का त्रिपुरा दौरा आज। जी हां, त्रिपुरा दौरे पर दो दिन के लिए रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी का त्रिपुरा दौरा बेहद महत्वपूर्ण। तो दो दिन तक त्रिपुरा में रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम योगी का त्रिपुरा दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। दो दिन तक त्रिपुरा में ही रहेंगे सीएम और चुनावी प्रचार प्रसार किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे सीएम योगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दो दिन तक त्रिपुरा में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। तो बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, सीएम योगी का त्रिपुरा दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। अनुप कुमार संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। अनुप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का त्रिपुरा दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि चुनाव, विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी प्रचार प्रसार की जो बागडोर है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है। बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के साथ साथ बाहरी जो राज्यों में भी चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के रूप में भारतीय जनता पार्टी भेजती है। यही वजह है कि त्रिपुरा दो दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, छह जनसभाओं को संबोधित करेंगे और भाजपा प्रत्याशियों के लिए वहां पर वोट पाएंगे, रोड शो होगा वहां पर। निश्चित रूप से जिस तरीके से शुरुआती गुड़ 2014 के बाद से अगर बात करें अंजलि, तो लगातार कई प्रदेशों को, चाहे बिहार की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, अभी त्रिपुरा की बात करें, हिमाचल की बात करें, गुजरात की बात करें, तो सभी लगभग प्रदेशों में जब भी चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक के रूप में वहां पर जाते हैं और उत्तर प्रदेश का एक मॉडल वहां पर बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले के हालात क्या थे, अब क्या हालात हैं। अगर वहां सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश का एक मॉडल, क्योंकि पहले आपने देखा था गुजरात का मॉडल, 2014 के चुनाव में गुजरात का एक मॉडल उभरा था जिसपे पूरे देश की सरकार बन गई थी। अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश भी उसी मुकाम पर पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश की एक छवि, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें या फिर सुशासन की बात करें या भ्रष्टाचार पर प्रहार की बात करें, लगातार कहीं ना कहीं देश दुनिया में जाना जा रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बाहरी प्रदेशों के भी दौरे पर रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को इसका लगातार लाभ भी मिलता आ रहा है। अंजलि बने रही है अनुप आप हमारे साथ, तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को यहाँ पर दे रहे। त्रिपुरा का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, फारब्रांड नेता के रूप में, और अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, फारब्रांड मुख्यमंत्री के रूप में अगर देखें तो योगी आदित्यनाथ लगातार जो दौरे हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं। विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए लगातार वो प्रचार प्रसार करते हैं, चाहे हाल फिलहाल में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी हमने देखा, हिमाचल प्रदेश में भी जब उन्होंने अपना चुनावी संबोधन किया था तो काफी जोश जो है वो कार्यकर्ताओं में भरने का काम किया था। एक और बड़ी खबर क्यों करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें, 20 फरवरी से यूपी विधानसभा का बजट सत्र, जी हाँ 20 फरवरी से यूपी विधानसभा का बजट सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। 21 फरवरी को सरकार पेश करेगी बजट, तो योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये बजट होने वाला है। फिलहाल ये बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है कि प्रदेश की जनता को क्या कुछ इस बजट से निकलकर मिलता है। तो केंद्र के बजट के बाद अब उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो यहाँ पर आने जा रहा है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह बजट है, तो 20 फरवरी से यूपी विधानसभा का जो बजट सत्र वो शुरू हो रहा है, 21 फरवरी को सरकार अपना बजट पेश करेगी। अनुप संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुप, केंद्र सरकार के बजट के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार का भी जो बजट है वो आने वाला है। उम्मीदें इस बजट से बहुत जुड़ी हुई हैं, अगले साल लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, कितना उम्मीदों से भरा रहने वाला है ये बजट? देखिए अंजलि, केंद्रीय बजट के बाद अब उत्तर प्रदेश में बजट की बारी है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश वासियों की निगाहें इस बजट पर जरूर टिकी होंगी, क्योंकि 2022 में दोबारा यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जनता की काफी
उम्मीदें हैं। लगातार आपने देखा किस तरीके से जो 2022 में संकल्प पत्र के जो वायदे किए थे उसको लेकर भी इसी बजट सत्र में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार उसमें समाहित करने वाली है। निश्चित रूप से जिस तरीके से केंद्र का बजट एक सभी वर्गों के लिए है, मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश का बजट होगा ये अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट होगा। हालांकि इस बजट के बाद पहले ही जो विपक्ष है वो हंगामा शुरू कर चुका है। अभी आपने देखा किस तरीके से ओबीसी को लेकर रामचरितमानस का मुद्दा रहा है, या चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, या फिर कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, या फिर किसानों का मुद्दा हो, विपक्ष का मानना है कि इस सत्र में कोशिश करेंगे कि सत्र बड़ा हो ताकि उस पर हर बात पर बहस हो सके, और लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम मुद्दे हैं उस पर भी बहस कराना जरूरी है, सरकार से मांग करेंगे। और लगातार आपने देखा कि पिछले जो बजट सत्र हुए हैं उनमें जो विभागों को पैसा दिया जाता था वो पूरा खर्चा नहीं हो पाता था, तमाम ऐसे विभाग थे जो 60% से कम पैसा खर्चा कर पाते थे। इस बार योगी आदित्यनाथ की सरकार सख्त हो गई थी, इस बार भी कह दिया था कि 20 मार्च से पहले पूरा बजट अपने विभाग का खर्च करें और उसका हिसाब दे, यानी कहीं ना कहीं जिस वजह से उत्तर प्रदेश सरकार घिर जाया करती थी कि बजट खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, नया बजट लेकर के आ गए हैं, उसको भी ध्यान रखा गया है इस बजट में, बजट सत्र में ध्यान रखा गया है। अब देखने वाली बात ये होगी अंजलि की जब बजट सत्र आएगा तो कितना होगा और किसको कितना लाभ मिलने वाला है, क्या किसानों को कुछ मिलेगा या फिर आम जनता को, आम नागरिकों को कुछ मिलने वाला है, ये सब तमाम चीजें हैं। क्योंकि इस बजट के बाद जो नगर निकाय के चुनाव भी होने हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की एक बार कोशिश करेगी कि सभी वर्गों को साधा जाए, सभी वर्गों को लाभ पहुंचाया जाए, क्योंकि आगामी आने वाला जो चुनाव 2024 का वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है 2024 में 80 में से 80 सीटें प्राप्त करने का उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल अनुप, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह भी बना हुआ है कि इस बजट में हर वर्ग, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे छात्र वर्ग हो, चाहे वो रोजगार वर्ग हो, उन्हें क्या कुछ मिल पाता है, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुप इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको यूपी के बजट सत्र जो है शुरू होने वाला है 20 तारीख से, तो 20 फरवरी को से बजट जो सत्र वो शुरू होगा, 21 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। अब फिलहाल सभी की उम्मीदें यहां पर कितनी पूरी हो पाती है इस उत्तर प्रदेश के बजट से वो देखना होगा। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें, यूपी में रोडवेज का किराया बढ़ा दिया गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो यूपी में रोडवेज का किराया बढ़ा दिया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें परिवहन विभाग ने किराया बढ़ाया है, तो किराए में 24% की बढ़ोतरी की गई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोमवार से रोडवेज में नया किराया लागू किया गया है, ये बड़ी खबर, 25 पैसे प्रति किलोमीटर किराया जो है वो बढ़ा दिया गया है, यूपी में रोडवेज का किराया बढ़ा दिया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता दें, परिवहन विभाग ने किराया बढ़ाया है, यह इस वक्त की बड़ी खबर, किराए में 24% बढ़ोतरी जो है वो की गई है। तो सोमवार से रोडवेज में नया किराया जो है वो लागू हो जाएगा, फिलहाल आपको बता दें 25 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाया गया है, ये नया किराया जो है वो लागू कर दिया गया है, यूपी में रोडवेज का किराया बढ़ा है, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, परिवहन विभाग ने किराया बढ़ाया है, किराए में 24% की बढ़ोतरी की है, सोमवार से रोडवेज में नया किराया लागू हो चुका है, 25 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाया गया है, यह इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। तो यूपी में रोडवेज का किराया बढ़ाया गया है, यह इस वक्त की बड़ी खबर, परिवहन विभाग ने किराया बढ़ाया है, किराए में 24% की बढ़ोतरी जो है वो की गई है, सोमवार से रोडवेज में नया किराया जो है वो लागू कर दिया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 25 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाया गया है। और लखनऊ से संवाददाता टीएन हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, टीएन मिश्रा। टीएन, फिलहाल अभी अगर देखा जाए तो रोडवेज का किराया जो है वो यहां पर काफी हद तक बढ़ा दिया गया है, किस तरीके से जो सफर करने वाले लोग हैं, जो यात्री हैं, उन्हें परेशानियां देखने को मिल रही हैं? यूपी रोडवेज में सबसे ऐतिहासिक है ये, 25% किराया कभी नहीं बढ़ाया गया था,
अभी 1.05 रुपए जो सफर था 1.30 रुपए प्रति किलोमीटर सफर हो गया है और रोडवेज के इतिहास में 10 पैसे से प्रति किलोमीटर ज्यादा पैसा कभी नहीं किराया बढ़ा। अब सरकार ने पहली बार सिर्फ रोडवेज बसों का ही नहीं, ऑटो, टेम्पो, टैक्सी, ई रिक्शा, सारी वाहनों का किराया बढ़ा दिया गया है। इवन जो है टैक्सी जो डीलक्स बसें हैं और एसी बसों का असर इससे ज्यादा पड़ेगा। जनरल बस का, एसी स्लीपर बस का, वाल्वो बस का किराया, वाल्वो किराया तो 2.86 रुपए से ज्यादा हो गया है। तो इससे कुल मिलाकर यात्री परेशान तो ही हैं और अधिक किराया देने सभी को दिक्कतें होती हैं। लेकिन रोडवेज की अपनी समस्या है कि कहना कि हमारे 3 साल से किराया नहीं बढ़ाया, डीजल दरें 2.5 गुना हो गई हैं, तो उसको कैसे भुगतान करें। ऐसे स्थिति में कर्मचारियों को तनख्वाह बढ़ाने के लिए और जो है उनका वेतन भत्ते देने के लिए भी किराया बढ़ाने की जरूरत पड़ी थी। अब मैं यात्रियों से जानना चाहूंगा कि उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है किराए को लेकर के। जी किराया बढ़ा इस पर क्या कहना है? अच्छा हुआ है बुरा हुआ आपका असर पड़ा तो ठीक है। आप बताइए किराया सही गलत हुआ। आप मुझे सुन पा रहे हैं प्रदीप? आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीएस लाठी अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, फिलहाल जो ये किराया बढ़ाया गया है, कितना ज्यादा मुश्किल अब यात्रियों को झेलना पड़ रहा है? अब देखिए, जिस तरीके से परिवहन विभाग ने सब किराए में बढ़ोतरी की है, वो निश्चित तौर पर आम यात्री के लिए बेहद मुश्किल भरा है, क्योंकि लगातार क्रूड ऑयल जब बढ़ता जाए तो परिवहन विभाग ने और तमाम विशिष्ट परिवहन विभाग ने इसमें बढ़ोतरी की। लेकिन इसके साथ ही जब क्रूड सस्ता होता है तो इसको नहीं बढ़ाया जा, इसको कम नहीं किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पर इसका भार बहुत बढ़ता दिखाई दे रहा है और परिवहन को और उत्तर प्रदेश सरकार को आम आदमी की तरफ भी सोचना होगा कि आम आदमी को किस तरीके से राहत दी जाए। जब सस्ता होता है तो परिवहन विभाग इसको दाम यानी कि जो टिकट के मूल्य है उसमें कम करने की कोशिश नहीं करता, और लेकिन जब क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है, डीजल को बढ़ा दिया जाता है, तो इसको तुरंत इसको टिकट में वृद्धि कर जाती है। अगर आगरा से किसी को लखनऊ जाना है तो लगभग 300 किलोमीटर के आसपास यहाँ का दूरी है आगरा से लखनऊ की, तो आप समझ लें 75 से 100 रुपए के आसपास इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से परिवहन विभाग लगातार मूल्य वृद्धि करता दिखाई दे रहा है रोडवेज बसों की टिकट में, तो निश्चित तौर पर आम आदमी पर एक बड़ी भारी मुश्किल भरी। जी बिल्कुल, आम आदमी जो यात्री हैं उन्हें काफी दिक्कतें अब हो रही हैं, किराया बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर बीएस लाठी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। बीएस लाठी, फिलहाल अब देखा जाए किराया बढ़ाने के बाद अब यात्री जो हैं, जो कि रोज का जिनका सफर करना है, उनके लिए काफी ज्यादा परेशानी हो गई है। देखिए, बिल्कुल मेरे साथ मेरे अभी तमाम सहयोगी, चाहे आगरा से जुड़े हो चाहे लखनऊ से जुड़े हो, तो तमाम लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, जो हालात है हालातों का रखा। और सबसे पहले मजबूरी हो जाती है कि रोडवेज का जो कर्मचारी है, किराया का मतलब सरकार ने तो किराए जो उनके कर्मचारी हैं किराए का ध्यान दिया, लाजमी है बढ़ना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा है, सबका किराया महंगा है, सब कुछ है। पर जो आम आदमी, जो आम जनमानस है, उसकी खैर कौन, उसको देख रेख कौन करे? आम जनमानस का होना है कि कहना भी है कि सरकार ने तो अपना जूरी भर ली, अपने कर्मचारियों का तो देख लिया, पर हम लोग कहाँ गए, हम लोग किसके पास गए? सबके साथ, जैसे चाहे रिक्शा हो, चाहे टेम्पो हो, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे एसी कुछ हो, जो सरकार ने सबका किराया बढ़ाया है, पर जो आम जनमानस जो करता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे बेरोजगारी का आलम देश में ये है, आप मुझे देख देख ही रही हो कि जगह जगह लोग सरकार की जी हो रहा है। तो जो आप जनमानस है, चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, अगर किसको हॉस्पिटल जाना है, वो जाना है, तो उसको जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। तो जो जनता है, उस जनता में काफी रोष है। सरकार ने अपने उनका तो ध्यान दिया, अपने मेंटेनेंस का तो ध्यान दिया, पर जो आम जनमानस है उनका मेंटेनेंस का ध्यान नहीं दिया। तो जो जनता में रोष है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि जो आम जनमानस है वो सरकार के ऊपर बिल्कुल लौटूंगी आपके पास। बीएस लाठी, टीएन मिश्रा भी लगातार हमारे साथ बने हुए।
टीएन मिश्रा, क्योंकि बढ़ती महंगाई के बीच अगर किसी भी जगह पर बढ़ोतरी की जाती है या किसी भी वस्तु की किराया जो है वो यहाँ पर बढ़ाया जाता है तो उससे आम जनता पर सीधा इफेक्ट पड़ता है। वहां पर आपके साथ कुछ लोग होंगे, उनसे बात करने की कोशिश करिए कि इस किराया वृद्धि के बाद कितना असर जो है वो पड़ता दिख रहा है। किराया बढ़ने का सबसे ज्यादा असर तो पड़ा ही लोगों पे, 25% किराया पहली बार बढ़ा सबसे ज्यादा, तो इसको लेकर के मैं कुछ पैसेंजर से पहले पूछूंगा कि ये बता दें कि उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है और कितना जो हम महसूस कर रहे हैं। जी भैया, जो किराया 25% बढ़ गया है, इसका क्या आप लोग महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? आप बताएंगे, 25% किराया बढ़ा है तो कंडीशन भी सही नहीं है, और किराया बढ़ा रहा है, कोई नहीं। आप बताइए, नहीं नहीं बस कंडीशन क्या, रोजगार किराया। चलिए लौटूंगे आपके पास। टीएन मिश्रा, प्रदीप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, क्योंकि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच अगर इस तरीके से किराया बढ़ाया जाएगा तो जाहिर तौर पर जो आम जीवन है, आम जनजीवन है, वो काफी हद तक प्रभावित होगा। ऐसे में सवाल ये कि आखिरकार जो अल्टीमेटली अगर किसी विभाग में इसी तरीके के फैसले यहाँ पर लिए जा रहे हैं तो आखिरकार जो जनता पर ही इसका बोझ पड़ेगा। अंजलि, निश्चित तौर पर जिस तरीके की बढ़ोतरी 25% की बढ़ोतरी बहुत होती है, अगर आगरा से दिल्ली का किराया 200 रुपए है तो सीधे सीधे तौर पर 50 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो आम आदमी पर सीधे सीधे उसकी जेब पर एक डाका डाला जाए और ये निश्चित तौर पर आम आदमी के लिए संकट भरा समय है और इसको कहीं ना कहीं सरकार को देखना होगा कि आम आदमी पहले से ही महंगाई से अपनी जूझता हुआ दिखाई दे रहा, उसकी कमर टूट चुकी है, हर तरफ महंगाई की मार है, और दूसरी तरफ परिवहन विभाग ने 25% की बढ़ोतरी कर दी है, तो निश्चित तौर पर आम आदमी के लिए संकट भरा समय है। और अगर परिवहन विभाग के सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर परिवहन विभाग की बसें बहुत ही बेहद खस्ता हाल में दिखाई देती हैं, कई बार हादसे भी दिखाई देते हैं, लेकिन परिवहन विभाग सुविधाओं को बढ़ाने की बात तो नहीं करता लेकिन उनकी जेब पर डाका डालने की जरूर बात करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका, बी एस लाठी आपका, टीएन मिश्रा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 25% जिस तरीके से किराया बढ़ा है उसके बाद अब दिक्कतें जो हैं वो आम यात्रियों को झेलनी पड़ रही हैं, खासकर उन लोगों को जो कि काफी ज्यादा जो यात्रा है वो करते हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, उत्तराखंड की खबरों की ओर रुक करते हैं, और इस बीच आ रही है बड़ी खबर, आपको बताने जा रहे हैं हल्द्वानी से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा आज। इस वक्त की बड़ी खबर, सीवरेज ट्रीटमेंट का करेंगे लोकार्पण, तो आपको बता दें लेगेसी वेस्ट प्लांट का भी लोकार्पण किया जाएगा, भाजपा पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, तो विकास कार्यों को लेकर इस समीक्षा बैठक जो है वो की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। योगेश शर्मा संवाददाता हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। योगेश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है और कितने बजे उनका आगमन होगा, क्या कुछ तैयारियां वहां पर कर ली गई है? देखिए, आपसे कुछ देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंच जाएंगे, आज बेहद महत्वपूर्ण दौरा उनका है, जहां वो 35 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे, इसके साथ ही 3 करोड़ की लागत से बने लीगेसी प्लांट का भी लोकार्पण किया जाएगा। लंबे समय से इसकी मांग चली थी, 2.5 साल में बन के तैयार हुआ है पूरी तरीके से, मेयर जोगेंद्र रौतेला का ग्रीन प्रोजेक्ट ये पूरा प्लांट था, जिससे सीवरेज की समस्या शहर में कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही सीएम की कई सारी बैठकें भी है, भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे और उसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। बिल्कुल, पदाधिकारियों के साथ भी बैठ के यहाँ पर होंगी, कई कार्यक्रम जो है उनके प्रस्तावित यहाँ पर रहने वाले हैं योगेश। हालांकि वहां पर तैयारियां कैसी कर ली गई हैं, क्या कुछ वहां पर तैयारियां कर ली गई हैं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पुलिस और प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां की गई है, नगर निगम ने पूरी तैयारियां कार्यक्रम की है, क्योंकि ये नगर निगम का ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और लीगेसी वेस्ट प्लांट है जिसको लंबे समय से तैयार किया जा रहा,
था, 2.5 साल से इसको पूरा तैयार किया जा रहा था। पूरे शहर का जो सीवरेज है वो यहाँ आएगा, उसके बाद सीवरेज को अलग करके सीवर की खाद बनाई जाएगी और पानी को फिल्टर करके लाइन में छोड़ा जाएगा। इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई है। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री हल्द्वानी पहुंचेंगे और ये दोनों बड़ी सौगातें शहर को देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई सौगातें यहाँ पर आज हल्द्वानी वासियों को मिलने वाली हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी द्वारा किसी वेस्ट प्लांट का लोकार्पण यहाँ पर करेंगे। कई कार्यक्रम उनके प्रस्तावित है, भाजपा पदाधिकारियों के साथ भी बैठ के करेंगे कई दौर की। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें, बड़ी खबर इस बीच आ रही है, कांग्रेस आज भी विरोध प्रदर्शन करेगी। जी हां, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन एलआईसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन जो है वो करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता अडानी समूह में एलआईसी का निवेश का आरोप है और जानकारी दें इसको लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन जो है वो करेगी। तो कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है और लगातार इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है। संवाददाता अजीत कंबोज हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, अडानी समूह के मामले को लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो हमलावर है और पूरे देश में कांग्रेस द्वारा इस तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उत्तराखंड की यहां पर बात की जाए तो यहां पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरी तरीके से मोर्चा खोला हुआ है। बिल्कुल अंजलि, आपने ठीक कहा, कांग्रेस का ये देशव्यापी प्रदर्शन है जो बीते रोज से लगातार जारी है कि अडानी समूह ने कैसे देश को डुबोने का काम किया है और इसमें एसबीआई और एलआईसी का पैसा लगा हुआ है जो सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ा हुआ है। इसी कड़ी में बीते रोज उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की तरफ से एसबीआई मुख्यालय के बाहर बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया था जिसका नेतृत्व तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने किया था। तो आज की अगर बात की जाए तो अब से कुछ ही 11 बजे का रखा गया है एल भवन के बाहर धरना प्रदर्शन को लेकर, जिसकी अगुवाई महिला कांग्रेस करेगी। कांग्रेस की प्रदेश है ज्योति रोहता, 11:30 बजे का समय रखा गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि महिला कांग्रेस का पूरा कार्यक्रम है, लेकिन इसमें अन्य कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल होंगे और एक जो देशव्यापी प्रदर्शन चल रहा है अडानी समूह के खिलाफ उसको लेकर देहरादून में भी लगातार हमलावर है कांग्रेस। अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हमलावर है कांग्रेस अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है प्रदेश अध्यक्ष महाराज की और उसके तुरंत बाद यह धरना प्रदर्शन एलआईसी भवन के बाहर शुरू किया जाएगा। जी अजीत, हालांकि इस मुद्दे को लेकर लगातार जो सियासत भी यहां पर हो रही है और कांग्रेस कोई भी मुद्दा यहां पर नहीं छोड़ रही है, जो कि इसको लेकर लगातार यहां पर सरकार पर जो है वो दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से फिलहाल इसको लेकर या कोई प्रतिक्रिया जो अभी तक सामने आई है? बिल्कुल, अगर सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार रोज अपने जारी कर रही है और भाजपा नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार के तमाम जो संस्थाएं हैं, चाहे उसमें सेबी की बात हो, आरबीआई की बात हो, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने बयान जारी कर चुकी हैं कि किसी तरह की अर्थव्यवस्था को नुकसान की इससे आशंका नहीं है। अगर अडानी समूह के शेयर्स अप डाउन होते हैं या समूह डूबने लगता है तो ऐसे में किसी भी तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस जो है वो लगातार सरकार पर हमला कर रही है, अडानी समूह के आधार पर वो केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का आरोप आम जनता के लिहाज से सही बैठता है कि एसबीआई और एलआईसी में आम जनता का निवेश है और इनका जो बड़ा पैसा है, बड़ा अमाउंट है, वो अडानी समूह में लगा हुआ है। तो कहना कि अगर अडानी समूह डूबता है तो उससे सीधे तौर पर आम जनता की गाड़ी कमाई भी डूबती है। इसको लेकर वो केंद्र सरकार से जेपीसी के माध्यम से जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं भाजपा जरूर जवाब देने का काम करेगी, जब केंद्रीय संस्थाएं अपना जवाब दाखिल कर चुकी है कि किसी भी तरह से अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं, तो ऐसे में जबरदस्ती का कांग्रेस क्यों हंगामा बरपा रही है? केंद्र सरकार अपना काम कर रही है और संसद के भीतर जवाब भी दिया जा रहा है। बिल्कुल, इस प्रदर्शन को लेकर फिलहाल सुरक्षा के क्या कुछ बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं? बिल्कुल, अगर बीते रोज की सुरक्षा व्यवस्था देखी जाए तो कल जब और उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की तरफ से एसबीआई के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया था, भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद था, ट्रैफिक को भी मुख्य रोड से डाइवर्ट किया गया था, कुछ इसी तरह का माहौल आज का भी देखने को मिल रहा है। एलआईसी भवन की अगर बात की जाए तो मेन हरिद्वार रोड पर ये मौजूद थे और काफी ट्रैफिक यहाँ पर रहता है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए पुलिस की भारी संख्या में यहाँ पर मौजूदगी देखी गई है और सीधे तौर पर महिला कांग्रेस का एक कार्यकर्ता दस्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। ऐसे में आप देखने होगा कि जब 11:30 बजे कांग्रेस की महिला प्रकोष्ठ की महिलाएं जो यहाँ पर पहुंचेंगी, कितनी संख्या में महिला यहाँ पर पहुंचते हैं, उनके साथ क्या पुरुष वर्ग के जो नेता है, उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता है, प्रदेश अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है, जो कल के कार्यक्रम में शामिल थे, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं या नहीं? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। तो लगातार इस बीच आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आ रही है, चारधाम यात्रा का बढ़ सकता है किराया। जी हां, चारधाम यात्रा का किराया बढ़ सकता है, 10% तक बढ़ सकता है किराया।
ये बड़ी खबर आ रही देहरादून से। तो 14 फरवरी को बैठक में फैसला लिया जाएगा। 10 फीसदी तक जो किराया वो बढ़ सकता है। 14 फरवरी को बैठक में फैसला लिया जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। चारधाम यात्रा का किराया बढ़ सकता है, ऐसे संकेत जो है वो मिल रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। 14 फरवरी को होने वाली बैठक में ये फैसला जो है वो लिया जा सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 फीसदी तक किराया जो है वो बढ़ सकता है। 14 फरवरी को बैठक में फैसला लिया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उधर सोशल मीडिया में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हनुमान चालीसा पढ़ते नजर आ रहे हैं। वीडियो के आखिरी भाग में हरीश रावत आनंदी को प्रणाम कर रहे हैं। इन तस्वीरों से सीधा सवाल उठता है कि आखिर क्या कांग्रेस पार्टी अब मंदिरों की तरफ आगे बढ़ रही है। प्रदेश में इसी साल निकाय चुनाव होने हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव की आहट भी अब सुनाई पड़ने लगी है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के हनुमान चालीसा के वीडियो के सियासी तौर पर कई मायने निकाले जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।